हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पीके टेक्निकल जोन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, अगर आप रिलायंस जियो यूजर्स हैं तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो अब आपको फ्री कॉलिंग नहीं देगी। यानी कि दोस्तों, अब आप 10 अक्टूबर से रिलायंस जियो से अदर ऑपरेटर पे फ्री कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अदर नेटवर्क में कॉलिंग करने के लिए अब आपको अलग से रिचार्ज करवाना होगा। और यहाँ पे दोस्तों, जियो की ओर से अलग से टॉपअप वाउचर भी लॉन्च कर दिए गए हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को यही बताने वाला हूं कि जियो की ओर से फ्री कॉलिंग क्यों बंद कर दी गई है और यहां पे आपको जियो की ओर से कौन कौन से टॉपअप वाउचर मिलेंगे। तो सारी डिटेल आज की इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हैं तो इसे लाइक करें, और हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन उसे जरूर दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें ताकि यह न्यूज़ सभी को पता चल सके। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया कि अब आप 10 अक्टूबर से जियो से अदर नेटवर्क में फ्री में कॉलिंग नहीं कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस जियो की ओर से यहाँ पे फ्री कॉलिंग बंद कर दी गई है। तो ऐसा क्यों किया गया है दोस्तों, तो चलिए इस पर बात करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे दोस्तों, IUC यानी कि इंटरकनेक्ट यूजेस चार्जेस, इसका मतलब यह होता है कि अगर आप जियो से अदर नेटवर्क पे कॉल करते हैं तो यहाँ पे जियो अदर ऑपरेटर को 6 पैसे प्रति मिनट की दर से पैसे देती है। यानी कि दोस्तों, अगर आप जियो से कॉल करते हैं एयरटेल में तो वहाँ पे जियो एयरटेल को इनकमिंग कॉल के लिए पैसे देती है। और इन 3 साल में दोस्तों, यहाँ पे जितने भी अदर टेलीकॉम ऑपरेटर्स हैं जैसे एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया, इन सभी को 13,000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए दिए हैं IUC चार्ज के लिए। यानी कि दोस्तों, जियो ने यहाँ पे 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा IUC चार्ज दिए हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों, जियो IUC चार्ज अब यहाँ पे नहीं देगी, क्योंकि दोस्तों ट्राई की ओर से कहा गया था कि IUC चार्ज 2020 से पूरी तरह से बंद कर दिए जाएंगे। मगर दोस्तों, यहाँ पे जो खबरें आ रही है कि 1 जनवरी 2020 से भी IUC चार्ज खत्म नहीं होगी। तो इसी को देखते हुए यहाँ पे रिलायंस जियो की ओर से कहा गया है कि जब तक IUC चार्ज खत्म नहीं होगी, अब आपको जियो से अदर ऑपरेटर पे कॉल करने के लिए यहाँ पे टॉपअप वाउचर लेने होंगे। और ये जो टॉपअप वाउचर होंगे दोस्तों, वो आपका 10 अक्टूबर से लागू होंगे। तो यहाँ पे दोस्तों, जियो की ओर से टॉपअप वाउचर भी लॉन्च कर दिए गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप जियो से जियो कॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको पूरी तरह से अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाएगी। तो वहीं पे आप जियो से अदर नेटवर्क पे कॉल करते हैं तो यहाँ पे आपको टॉपअप वाउचर लेने होंगे। तो पहला टॉपअप वाउचर है दोस्तों 10 रुपए का, जहाँ पे आपको 124 मिनट कॉलिंग के लिए दिए जाएंगे, और इसके साथ यहाँ पे आपको 1 GB डेटा भी दिए जाएंगे। दूसरा प्लान है दोस्तों 20 रुपए का, जहाँ पे आपको 249 मिनट कॉलिंग के लिए मिलेंगे और साथ में 2 GB डेटा भी मिलेगा। तीसरा प्लान है दोस्तों 50 रुपए का, और यहाँ पे आपको 650 मिनट कॉलिंग के लिए मिलेंगे और इसके साथ यहाँ पे आपको 5 GB डेटा भी मिलेगा। जबकि चौथा प्लान है दोस्तों 100 रुपए का, और यहाँ पे आपको 1362 मिनट कॉलिंग के लिए मिलेंगे और इसके साथ यहाँ पे आपको 10 GB डेटा भी मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जितने भी टॉपअप वाउचर होंगे वो आपका अदर नेटवर्क पे कॉलिंग करने के लिए होंगे। तो वहीं पे आप जियो से जियो बिल्कुल फ्री में कॉलिंग कर पाएंगे। यानी कि दोस्तों, आपका जो भी प्लान यहाँ पे चल रहा है, जैसे कि 149, 349, 399 जो भी प्लान आपका चल रहा है, उसके बाद आपको अदर नेटवर्क पे कॉल करने के लिए ये चारों टॉपअप वाउचर में से कोई
कोई एक वाउचर को लेना होगा, तभी आप अदर नेटवर्क पे कॉल कर पाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों जियो की ओर से ये भी कहा गया है कि जैसे ही आपका आयुषी चार्ज खत्म कर दिया जाएगा तो फिर से यहाँ पे सभी नेटवर्क में बिल्कुल फ्री में अनलिमिटेड कॉलिंग दी जाएगी। तो इसी कारण दोस्तों जियो की ओर से यह पॉलिसी को लागू की गई है। तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या ट्राई की ओर से आयुषी चार्ज को हटा देना चाहिए, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इस वीडियो को जितना हो सके दोस्तों उतना शेयर करें ताकि यह न्यूज सभी को पता चल सके। तो धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए, फिर मिलूंगा अगले वीडियो में कुछ नया लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।